गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल एंड कॉलेज। हियर वी आर गोइंग टू टीच कंप्यूटर ऑफ क्लास 10, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन 1, व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जैसे हम एक कैलकुलेटर का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो कैलकुलेटर में क्या करते हैं, अगर एक स्टूडेंट से बोल दिया कि कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर बनाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक स्टूडेंट को सम करना है, एक स्टूडेंट को माइनस परफॉर्म करना है, एक स्टूडेंट को मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है, एक स्टूडेंट को डिवाइड परफॉर्म करना है, और उसके बाद जो है इसी तरीके से हमने सारे ऑपरेशंस डिवाइड कर दिए सभी स्टूडेंट को, और बाद में हमने उसको मर्ज कर दिया एक सिंगल प्रोग्राम में, तो वो कैलकुलेटर बड़ी ही आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम विद कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग। जैसे कैलकुलेटर क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है, इसको हम सॉल्व करते हैं बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग प्रॉब्लम्स में छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया यूजिंग फंक्शंस। जो टेक्निक डिवाइड करते हैं वो फंक्शंस, मतलब एक फंक्शन सम का होगा, एक सबट्रैक्ट का होगा, एक मल्टीप्लाई का होगा, डिवाइड का होगा। और एनी प्रोसीजर्स कैन बी कॉल्ड बाय द मेन प्रोग्राम एज वेल एज द अदर प्रोसीजर्स। कोई भी फंक्शन, प्रोसीजर का मतलब यहाँ पे फंक्शन से है, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है, एज वेल एज सारे फंक्शन जो है मेन में भी कॉल किए जा सकते हैं। मेन भी एक फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिगम विच रिवॉल्व अराउंड द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स इंटरेक्शंस विद अदर ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। इसका जो सराउंडिंग है पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, वो ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड ही मूव करता है। उस फॉलो द डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा अब्स्ट्रैक्शंस, ऐसी लैंग्वेज जो उस पैराडिगम के साथ आएगी, उसके साथ अब्स्ट्रैक्शंस का फीचर होगा, इनकैप्सुलेशंस का फीचर होगा, इनहेरिटेंस का फीचर्स होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगी, क्लास होगी एंड ऑब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, गिव सम एग्जांपल्स। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स डेटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, डेटा होगा एंड फंक्शन होगा एज अ सिंगल यूनिट। ऑब्जेक्ट कैन बी टैंगिबल थिंग्स लाइक कार, पेन, बुक एंड मोबाइल। कुछ भी हो सकता है, टैंगिबल हो सकता है, लिविंग थिंग्स हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है। जैसे पेन एक ऑब्जेक्ट है, बुक एक ऑब्जेक्ट है, मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, टीचर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, लिविंग थिंग्स भी हो सकती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। व्हाट इज अ क्लास, गिव सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो हमने बताया था क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है, एक फ्रेम है, एक ब्लूप्रिंट है। क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट, टेम्पलेट बोलिए, ब्लूप्रिंट बोलिए, फ्रेम बोलिए, फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। एक ही फ्रेम से, एक ही ब्लूप्रिंट से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं विद सिमिलर फीचर्स। और जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उस फ्रेम से, उन सब में क्या होगा, सिमिलर फीचर्स होंगे, एक जैसे दिखेंगे। लॉयन, जिराफ एंड, यहाँ पे जिराफ में डी नहीं होना चाहिए, जिराफ एंड काउ ऑल बिलोंग्स टू द एनिमल क्लास। तो ये सारे क्या है, एनिमल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो एनिमल यहाँ पर एक क्लास होगी, लॉयन, जिराफ एंड काउ क्या होंगे, वो लॉयन, जिराफ एंड काउ ऑल बिलोंग्स टू द एनिमल क्लास, ये सारे एनिमल क्लास से बिलोंग करते हैं। डिफाइन अब्स्ट्रैक्शंस, अगर हम अब्स्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, तो अब्स्ट्रैक्शंस रिफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स। यहाँ पर एसेंशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स, मतलब जो जरूरत वाले फीचर्स होंगे, एसेंशियल चीज़ें होंगी, उनको डिस्प्ले करेगा, और बाकी सारी जो रेस्ट ऑफ द डिटेल्स होगी, बैकग्राउंड डिटेल्स होगी, उन सबको वो किसी ना किसी फ्रेम में पैक कर देगा। जैसे अगर हम मोबाइल की बात करते हैं, तो मोबाइल में क्या है, टच स्क्रीन और बटन हमारे पास क्या है, एसेंशियल फीचर्स हैं, इनकी हेल्प से हम ऑपरेट कर पाते हैं। बाकी उसके अंदर बैटरी है, सिम है, सर्किट बोर्ड है, सॉफ्टवेयर है, बाकी सारी इक्विपमेंट जो हमारे ज़रूरत की नहीं है, उन सबको उसने क्या किया है, एक फ्रेम में, एक मतलब उसमें केस में पैक करके रखा हुआ।
व्हाट इज इनहेरिटेंस, अगर मैं इनहेरिटेंस की यहाँ पे बात करता हूँ तो इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है। इट अलाउज अ क्लास टू यूज द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ से डेटा होगा, बिहेवियर का मतलब यहाँ पे फंक्शन या मेथड से होगा। तो एक क्लास अपने पेरेंट क्लास की एट्रीब्यूट्स को और बिहेवियर को एक्सेस कर लेता है। पेरेंट क्लास कौन होगी? ऐसी क्लास जो अपनी प्रॉपर्टी देगी, और चाइल्ड क्लास कौन हो गया? जो उस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगी। तो प्रॉपर्टी क्या होगी? एट्रीब्यूट दैट इज डेटा, बिहेवियर दैट इज फंक्शन। डिफाइन इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म दैट बाइंड्स टुगेदर कोड एंड डेटा। इट मैनिपुलेट्स, इट कीप्स देम बोथ सेफ फ्रॉम आउटसाइड। इनकैप्सुलेट करना है, पैक करना है, रैप करना है, क्या? डेटा एंड फंक्शन। ठीक है, रैप करना है, बाइंड करना है किसको? कोड दैट इज फंक्शन एंड डेटा, दोनों को पैक करना है। किसमें? एक सिंगल यूनिट में। क्यों पैक करना है? फॉर सेफ्टी पर्पस, फॉर मिसयूज उसको ना किया जाए। इट कीप्स देम बोथ सेफ फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड में ये जो है एक्सेस ना हो पाए, दूसरी कोई क्लास उसको एक्सेस ना कर पाए, इसलिए इसको यहाँ पर सेफ करके रखा जाता है। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम बनाया है हमने, जिसकी हेल्प से आप जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्लास लिखा हुआ है। क्लास हमेशा ऐसे ही लिखी जाएगी स्मॉल केस में, और उसके बाद कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। कैलकुलेशंस लिख दिया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन की स्पेलिंग टी आई ओ एन होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अगर हमने यहाँ पे मिसप्रिंट भी टाइप किया है तो प्रोग्राम उसको कंसिडर कर लेगा। ये नाम कुछ भी हो सकता है, अगर हमने इसका नाम ए बी सी रख दिया हुआ है, कैलकुलेशन की स्पेलिंग भी अगर हमने यहाँ पे गलत कर दी है, तो कोई प्रोग्राम जावा उसको एज अ मतलब एरर नहीं लेगा, उसको एरर फ्री कर देगा। जावा को क्या मतलब है? जावा ने आपने एक नेम दे दिया, इसीलिए हमने यहाँ पर जानबूझ करके एक मिस्टेक करके टाइप की हुई है, ताकि आप मतलब ये समझ सके कि जो है ये जो कोड है ये आपका मतलब नेम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पे आके कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। यहाँ पर फिर आपको क्लास यहाँ ओपन हुई और यहाँ पे क्लास बंद हुई, तो क्लास सबसे पहले स्टार्ट होती है और सबसे लास्ट में जाके ही बंद होती है। क्लास के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए, दैट इज वाइड डिस्प्ले। तो यहाँ पर डिस्प्ले एक फंक्शन है और इसके अंदर दो पैरामीटर पास किए गए हैं, इंट ए कॉमा इंट बी। तो यहाँ पर हमने दो क्यों पास किए हैं? इंट ए इंट बी, इंट सी भी कर सकते थे। क्यों दो पास किए? क्योंकि यहाँ पे हमें टू नंबर का करना है कैलकुलेशन, तो हमें दो नंबर चाहिए यूजर से। फिर यहाँ पे हमें चार वेरिएबल लिए, एक हमने सम, एक डिफरेंस, एक डिवीजन और मल्टीप्लाई। तो चूंकि सम जो है और डिफरेंस, इनका कैलकुलेशन इंटीजर आएगा, मतलब कोई पॉइंट वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए इसका हमने कैलकुलेशन जो डेटा टाइप लिया है वो इंट ले लिया है। लेकिन यहाँ पर जो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते समय जो है पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर जो है इसको डबल टाइप में ले लिया, और मल्टीप्लाई को हमने भी यहाँ पर डबल टाइप ले लिया है। अगर मैं सबको डबल टाइप ले लेता तब भी कोई एरर ना आती, मतलब मैं डबल टाइप का सम भी लेता, डबल टाइप का डिफरेंस भी लेता, डबल टाइप का ड्यू भी लेता, डबल टाइप का मन भी लेता, तब भी कोई एरर ना आती। यहाँ पर हमने लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पर जो भी दो नंबर आप पास करेंगे वहाँ पे पैरामीटर में, उन दोनों नंबर का प्लस सम में आ जाएगा। फिर यहाँ पर डिफरेंस में हमने लिखा हुआ डिफरेंस इज इक्वल टू ए माइनस बी, जो आपने दो नंबर दिए हैं उन्हीं नंबर का यहाँ पे डिफरेंस में डिफरेंस स्टोर हो जाएगा, माइनस स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई जब हमने लिखा हुआ है तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई स्टोर होकर डिफरेंस हो जाएगा। और फिर डिवाइड का ये सिंबल यहाँ पे डिवाइड का है, यहाँ पर ये डिवाइड का सिंबल इस तरीके से यूज होगा, तो यहाँ पे डिवाइड आकर के स्टोर हो जाएगा। फिर हमने बताया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जो भी आप पास करेंगे वो आपको एज अ आउटपुट मिलेगा। तो जो कुछ आप डबल कोट्स में लिखेंगे कंपाइलर उसको कंसीडर एज इट इज कर लेगा, मतलब आपने कुछ भी लिखा हुआ डबल कोट्स के अंदर, तो डबल कोट्स के अपने अंदर लिखा हुआ एडिशन इज इक्वल टू, तो एडिशन इज इक्वल टू आ जाएगा, और सम में जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। सपोज 5 और 5 आपने दिया हुआ है, तो क्या लिख दिया जाएगा? एडिशन इज इक्वल टू 10। एक आउटपुट ही आ जाएगा, दूसरा आउटपुट उसी के जस्ट नीचे आएगा, क्या आएगा? डिफरेंस इज इक्वल टू, अगर 5 और 5 दिया हुआ है तो 0 आ जाएगा डिफरेंस। फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 5 5 25, और यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो डिवीजन इज इक्वल टू क्या जाएगा? 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो क्या जाएगा? 1 आ जाएगा।
अब यहाँ पे आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको करना है। स्टेट द जावा कॉन्सेप्ट दैट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू सुपर क्लास एंड सब क्लास। ऐसी कौन सी प्रिंसिपल्स है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जावा का जो सुपर क्लास और सब क्लास को रखता है। दूसरा पार्ट है इसमें बस उसका नाम बताना, कौन सा वो उसका प्रिंसिपल है। यहाँ पे द एक्ट एज रिप्रेजेंटिंग एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट बैकग्राउंड डिटेल्स, ये कौन सा फीचर है, कौन सा फीचर है जो इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आपको लिखना है। राइट प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, हमने एक प्रोग्राम आपको बताया है, अब आपको क्या करना है, टू नंबर का सम करके बताना है। राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, और एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है।